हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर लोड बैलेंसर के हेल्थ प्रोब्स एंड लोड बैलेंसिंग रूल्स के कॉन्सेप्ट को। तो अभी तक हमने एक लोड बैलेंसर यहां पे क्रिएट कर लिया है जो कि एक बेसिक लोड बैलेंसर है, और इस बेसिक लोड बैलेंसर के साथ हम दो वर्चुअल मशीन एज ए टारगेट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले एक अवेलेबिलिटी साइट यहाँ पे क्रिएट किया है। दोनों वर्चुअल मशीन इस अवेलेबिलिटी साइट के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, और इन दोनों वर्चुअल मशीन को हमने इस VNet 1 के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, और VNet 1 को हमने वेब पूल के साथ यहाँ पे अटैच किया है। यानी हमारे वेब पूल के अंदर हमारी दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है और इसे कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ प्रोब के बारे में। तो अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो आप आ जाइए अपने पोर्टल पे। अगर आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लोड बैलेंसर ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। इसका फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है, बैक एंड पूल भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हेल्थ प्रोब की। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ प्रोब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से ये एक लोड बैलेंसर है, और इस लोड बैलेंसर के पीछे आपने एक पूल क्रिएट किया है जहां पे दो वर्चुअल मशीन आपने ऐड की हुई है, और फाइनली ये पूल आपके लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। पहली वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 और दूसरी वर्चुअल मशीन का नाम है VM2। इस लोड बैलेंसर पे आपने एक पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो जो भी आपके कस्टमर हैं वो इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करते हैं, और ये लोड बैलेंसर जो भी यूजर सेशन इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहे हैं उन्हें रीडायरेक्ट करता है बैक एंड टारगेट पे जो कि है VM1 एंड VM2। सो लेट्स अज्यूम कि कंटिन्यूसली यूजर सेशन इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट हो रहे हैं, और ये लोड बैलेंसर इन यूजर सेशन को इक्वली बैक एंड टारगेट पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स से VM1 पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि VM1 यहाँ पे अनहेल्दी हो चुका है क्योंकि जो वेबसाइट आपने यहाँ पे डिप्लॉय की थी वो अभी यहाँ से एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आपका लोड बैलेंसर है वो इस बारे में अवेयर नहीं है कि VM1 यहाँ पे अनहेल्दी हो चुकी है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि जो भी यूजर सेशन पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहे हैं उसे वो कंटिन्यूअसली VM1 और VM2 पे कंटिन्यूअसली रीडायरेक्ट करता रहता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी यूजर सेशन इस VM1 पे कनेक्ट होंगे उन कस्टमर के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगी, लेकिन जो कस्टमर VM2 पे कनेक्टेड है उनके लिए वेबसाइट उन कस्टमर्स के लिए ओपन होगी। तो एक तरीके का पार्शियल यहाँ पे डाउन टाइम है, कुछ यूजर्स के लिए आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है और कुछ यूजर्स के लिए आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को डील करने के लिए हेल्थ प्रोब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो समझते हैं कि हेल्थ प्रोब किस तरीके से काम करता है। अगर आप अपने पोर्टल पे यहाँ पे आते हैं, हेल्थ प्रोब की सेटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड पे। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है आपके हेल्थ प्रोब का नाम क्या है। लेट से मैं मेंशन कर लेता हूँ HP1। उसके बाद ये प्रोटोकॉल पूछ रहा है, तो दो प्रोटोकॉल यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, TCP या फिर HTTP। सपोज मैं TCP यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पोर्ट कौन सा है, इंटरवल क्या है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या है। तो इन सेटिंग्स का मतलब क्या है वन बाय वन इन्हें समझ लेते हैं। तो लेट्स से आप अपने लोड बैलेंसर के अंदर हेल्थ प्रोब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और हेल्थ प्रोब का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जब भी कोई आपका बैकएंड टारगेट यहाँ पे अनहेल्दी होता है तो उस केस में इस लोड बैलेंसर को पता लगना चाहिए, और ये लोड बैलेंसर उस अनहेल्दी टारगेट पे कोई भी यूजर सेशन को रीडायरेक्ट नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लोड बैलेंसर ये इंश्योर कैसे करता है कि कौन सा टारगेट हेल्दी है और कौन सा टारगेट अनहेल्दी है। तो इस केस में लोड बैलेंसर एक मैसेज कंटिन्यूअसली अपने बैकएंड टारगेट को यहाँ पे भेजता है। लेट्स से एक मैसेज इसने VM1 को सेंड किया, और सिमिलरली एक मैसेज ये VM2 को भी यहाँ पे सेंड कर रहा है। जितने भी टारगेट बैकएंड में कनेक्टेड होते हैं अगर आपने हेल्थ प्रोब को कॉन्फ़िगर किया है तो लोड बैलेंसर उन टारगेट पे यहाँ पे मैसेज भेज रहा है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि लोड बैलेंसर VM1 से पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू। इन रेस्पॉन्स अगर आपका टारगेट भी रिप्लाई करता है लोड बैलेंसर को तो इसका मतलब आपका टारगेट यहाँ पे हेल्दी है, और ये जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है वाया पोर्ट 80।
तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पोर्ट नंबर मेंशनड है वो है पोर्ट 80 और जो इसका प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी। तो जब भी लोड बैलेंसर आपके टारगेट को मैसेज भेजता है और रिटर्न में टारगेट आपके लोड बैलेंसर को रिप्लाई कर रहा है थ्रू पोर्ट 80, इसका मतलब दोनों के दोनों टारगेट यहाँ पे हेल्दी हैं। बट अज्यूम कीजिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पे लोड बैलेंसर आपके टारगेट को मैसेज भेज रहा है लेकिन टारगेट यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वाया पोर्ट 80। तो लोड बैलेंसर यहाँ पे 5 सेकंड के इंटरवल के बाद दोबारा एक मैसेज भेजेगा और दोबारा से टारगेट से पूछेगा कि हाउ आर यू। अगर अभी भी VM1 यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता है लोड बैलेंसर को तो उस केस में लोड बैलेंसर इस टारगेट को यहाँ पे अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा। तो जैसे ही ये टारगेट यहाँ पे अनहेल्दी डिक्लेयर होता है उसके बाद लोड बैलेंसर जितने भी यूजर सेशन है उन्हें इस VM1 पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, उसके बजाय सारे के सारे सेशन इस VM2 पे जाके कनेक्ट होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसने यहाँ पे केवल 2 टाइम ही ट्राई क्यों किया, क्योंकि अगर आप अपनी सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे जो अनहेल्दी थ्रेशोल्ड हमने मेंशन किया है वो है 2। अगर आप इसे 2 की जगह यहाँ पे 4 कन्फिगर कर देते हैं तो उस केस में लोड बैलेंसर इस VM1 को अनहेल्दी डिक्लेयर करने से पहले 4 बार यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा और इन अटेम्प्ट्स का जो इंटरवल है वो है 5 सेकंड। अगर आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट से अगर आप चाहते हैं कि हर 10 सेकंड में आपका लोड बैलेंसर टारगेट को चेक करे तो आप यहां से 10 सेकंड यहां पे एज ए इंटरवल मेंशन कर सकते हैं। तो अभी इसे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं 5 सेकंड एंड अनहेल्दी थ्रेशोल्ड इसे रख लेते हैं 2 एंड देन क्लिक ऑन ऐड। तो हेल्थ प्रोब यहां पे हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं लोड बैलेंसिंग रूल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस रूल की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप इस डायग्राम पे आए और इस डायग्राम की मदद से समझें तो जो भी आपके कस्टमर हैं, लेट से ये एक कस्टमर है और ये कनेक्टेड है इंटरनेट से और थ्रू इंटरनेट ये लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। लेट से ये कस्टमर अपने ब्राउजर पे जाके टाइप करता है http://, और लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को जो कि है 13.67.209.10। तो अभी हमने कोई भी डोमेन यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया, तो लेट से ये कस्टमर इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू ही यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज किया है HTTP, इसका मतलब ये है कि ये जो कस्टमर सेशन है ये जाके लोड बैलेंसर के इस पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 80 पे यहाँ पे हिट करेगा। अब इस लोड बैलेंसर को इस यूजर सेशन को रीडायरेक्ट करना है बैकएंड टारगेट पे। तो लोड बैलेंसर को कैसे पता लगेगा कि इसे कहाँ जाके रीडायरेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसिंग रूल क्रिएट करते हैं। तो एक लोड बैलेंसिंग रूल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन ऐड। तो सबसे पहले ये रूल का नाम आपसे पूछ रहा है, रूल का नाम आप मेंशन कर लीजिए रूल 1। आईपी वर्जन में सेलेक्ट कर रहा हूँ IP version 4। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू आप इसे कन्फिगर करते हैं, TCP एंड UDP। क्योंकि जो हमारा अजूर लोड बैलेंसर है एक Layer 4 लोड बैलेंसर है तो ये 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे सपोर्टेड होते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है TCP। अब ये पूछ रहा है कि आपका फ्रंट एंड पोर्ट कौन सा है और बैक एंड पोर्ट कौन सा है। तो अभी मैं इसे मेंशन कर लेता हूँ फिर हम इसे समझेंगे। तो फ्रंट एंड पोर्ट मैंने मेंशन कर लिया है 80 एंड बैक एंड पोर्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है 80। साथ ही साथ बैक एंड पूल में सेलेक्ट कर लेता हूँ वेब पूल। और ऑलरेडी हमने एक हेल्थ प्रोब यहाँ पे क्रिएट किया था जिसका नाम है HP1। तो इस हेल्थ प्रोब को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इन मल्टीपल सेटिंग्स का यहाँ पे मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने फ्रंट एंड आईपी एड्रेस पे, फ्रंट एंड पोर्ट पे एंड बैक एंड पोर्ट पे। तो जब भी ये यूजर सेशन इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे यहाँ पे हिट कर रहा है तो ये इस पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 80 पे यहाँ पे हिट कर रहा है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे यूज किया है वो है HTTP। तो हम इस लोड बैलेंसर को यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं अपने रूल के थ्रू कि अगर कोई यूजर सेशन इस पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 80 पे यहाँ पे हिट करता है जो कि आपका फ्रंट एंड पोर्ट आप इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक रूल क्रिएट किया है जिस रूल के अंदर बेसिकली हम ये सब कुछ कन्फिगर कर रहे हैं और इस रूल का नाम है रूल 1 और इस रूल के थ्रू हमने ये स्पेसिफाई किया है। तो ये रूल इस लोड बैलेंसर को बता रहा है कि अगर इस पब्लिक आईपी एड्रेस के
फ्रंट एंड पोर्ट 80 पे कोई यूजर सेशन आता है, तो इस यूजर सेशन को हमें रीडायरेक्ट करना है अपने बैकएंड पूल पे जो कि है वेब पूल। इसीलिए मैंने यहाँ पे बैकएंड पूल पे वेब पूल यहाँ पे सेलेक्ट किया है। लोड बैलेंसर जब भी यूजर सेशन को बैकएंड पूल पे यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, तो बैकएंड पूल के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन आपने डिप्लॉय की है उसी वर्चुअल मशीन के साथ जाके ये यूजर सेशन कनेक्ट होता है। तो ये यूजर सेशन बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग या तो इस VM1 पे कनेक्ट होगा या फिर इस VM1 पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एक बैकएंड पोर्ट भी मेंशन किया था, तो इसका मतलब यह है कि जब ये बैकएंड वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इट शुड बी कनेक्टेड ऑन पोर्ट 80, और ये दोनों वर्चुअल मशीन के केस में यहाँ पे ट्रू है। तो फ्रंट एंड पोर्ट है आपके लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस का पोर्ट, और जो बैकएंड पोर्ट है वो पोर्ट है वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने के लिए। तो जो भी रिक्वायर्ड इनपुट थे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर लिया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है सेशन परसिस्टेंस का। तो सबसे पहले सेशन परसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सो लेट्स से ये आपका लोड बैलेंसर है, और इस लोड बैलेंसर के साथ आपने दो टारगेट बैकएंड पूल के थ्रू यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करता है जो कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है जिसे आपने अपने वर्चुअल मशीन पे होस्ट किया हुआ है। तो जब भी ये यूजर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो इस यूजर का एक सोर्स आईपी एड्रेस भी होगा, और जैसे ही सेशन इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे कनेक्ट होता है लोड बैलेंसर के, तो लोड बैलेंसर इस यूजर सेशन को या तो VM1 पे कनेक्ट करेगा या फिर VM2 पे कनेक्ट करेगा। लेट्स अज्यूम कि ये VM1 पे यहाँ पे कनेक्टेड है। लेट्स से कुछ समय बाद ये यूजर लोड बैलेंसर के इस पब्लिक आईपी एड्रेस को दोबारा यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, और जो उसका सोर्स आईपी एड्रेस है वो अभी भी सेम है। इसे आप सोर्स आईपी एड्रेस बोल लीजिए या क्लाइंट आईपी एड्रेस बोल लीजिए, दोनों सेम है। तो जैसे ही ये यूजर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो इस केस में अगर आपने सेशन परसिस्टेंस में क्लाइंट आईपी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये यूजर दोबारा जाके सेम टारगेट पे यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो अगर आप अपने पोर्टल पे आते हैं तो सेशन परसिस्टेंस में यहाँ पे आपको क्लाइंट आईपी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसे क्लाइंट आईपी पे सेट करते हैं, तो उस केस में अगर क्लाइंट का आईपी सेम है तो बार बार वो जाके सेम ही टारगेट पे अटैच हो रहा है। अगर आप दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्लाइंट आईपी एंड प्रोटोकॉल, तो इस केस में ये आईपी के साथ साथ प्रोटोकॉल को भी चेक करता है। इस केस में अगर ये यूजर दोबारा इस पब्लिक लोड बैलेंसर को इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, तो अगर सेम आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो ये यूजर दोबारा से सेम टारगेट पे यहाँ पे कनेक्ट होगा। लेकिन सेम टाइम अगर आप इसे सेट करते हैं नन पे, तो उस केस में ये जो यूजर सेशन है वो VM1 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और VM2 के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग इसे सेट कर लेते हैं नन पे। यहां से आप अपने आइडियल टाइम आउट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट टाइमिंग है वो है 4 मिनट, आप इसे मैक्सिमम 30 मिनट तक यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ 4 मिनट पे। तो इसका मतलब यह है कि 4 मिनट तक अगर आपका सेशन आइडल भी है तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए ऐड पे, एंड लोड बैलेंसिंग रूल यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो इसी के साथ हमने अपने बेसिक लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ओवरव्यू पे आके देखेंगे तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर लीजिए, तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है आपके लोड बैलेंसर का, यह है 13.67.209.10। अगर आप इस आईपी एड्रेस को अपनी वर्चुअल मशीन पे जाके देखेंगे, VM1 पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन ओवरव्यू, तो जो लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस था, सेम पब्लिक आईपी एड्रेस इस VM1 पे भी यहाँ पे एडवर्टाइज हो चुका है। सिमिलरली अगर VM2 पे भी आप जाके देखेंगे तो सेम आईपी एड्रेस यहाँ पे भी एडवर्टाइज हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो VM1 का अपना पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यहाँ से डिसअपेयर हो चुका है। तो अगर आप नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं तो ये है VM1 का पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। सिमिलरली VM2 पे भी अगर आप देखेंगे, क्लिक ऑन नेटवर्किंग, और यहाँ पे VM2 का पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो लोड बैलेंसर हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, हिट ऑन ब्राउजर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं तो
आप टाइप कर लीजिए http://, एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, हिट एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने हिट लोड बैलेंसर को किया था, लेकिन लोड बैलेंसर ने इसे बैकएंड वर्चुअल मशीन पे रीडायरेक्ट कर लिया है, जो कि है VM2। तो जो भी फ्लो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, सिमिलरली आपका लोड बैलेंसर यहाँ पे काम कर रहा है। Azure लोड बैलेंसर एक पास थ्रू लोड बैलेंसर है। इसका मतलब यह है कि जो भी यूजर सेशन है, लोड बैलेंसर उस यूजर सेशन को पास करता है बैकएंड टारगेट पे, और जो भी सेशन कनेक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं Layer 4 पास थ्रू लोड बैलेंसर। अगर वापस आप ब्राउजर पे आते हैं और लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि आपका लोड बैलेंसर आपके सेशन को VM1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने अपने बेसिक लोड बैलेंसर को यहाँ पे डिप्लॉय किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।